हेलो गाइस, माय नेम इज़ गौतम सिंह एंड आई एम योर फिजिक्स एंड मैथमेटिक कोच। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल का लाइव डेमोंस्ट्रेशन। एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर किसी बॉडी का किसी एक्सिस के लॉन्ग अगर नेट टॉर्क जीरो है तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है उस एक्सिस के लॉन्ग। तो किसी बॉडी का किसी एक्सिस के लॉन्ग जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आई इंटू ओमेगा होता है। तो चलिए कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं। एक्सिस क्या होता है? तो एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके लॉन्ग सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होता है? आई इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर। यहाँ एम जो है वो मास है और आर जो है वो एक्सिस से दूरी है। तो अगर किसी मास को एक्सिस से दूर ले जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है, अगर मास को एक्सिस के पास लाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी तो बहुत ही ईजी है आपको इमेजिन करना। एंगुलर वेलोसिटी होता है कि कोई बॉडी कितनी तेजी से घूम रहा है, मतलब एंगल कितने तेजी से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी धीरे घूमेगी तो उसका ओमेगा कम होगा, और अगर कोई बॉडी तेज घूम रही है तो उसका ओमेगा ज़्यादा होगा। तो जैसा आप देख रहे हैं, जब मेरा हाथ ऐसा फैला हुआ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी कम है। वहीं सेकेंड केस में जब मैंने हाथ अपना पास लेके आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो कोई चीज़ एक चीज़ घटेगी तो दूसरे को उसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। तो होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।